तो आज सुबह पाक फिजाइया के F-16 तैयारों ने ऑपरेशन MBS के तहत ईरान के अंदर फिजाई हमले किए हैं और कुछ सोर्सेज के मुताबिक 7 फिजाई हमले किए हैं। नाउ यहाँ पर मैं इंडिया का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, क्योंकि इंडिया के सहूलतकार जो कि हर टाइम ईरान के अंदर बैठे रहते हैं, उन्होंने फोटोज भी जारी कर दी है और वो इलाका जहाँ पर पाक फिजाइया ने स्ट्राइक की है उसकी लोकेशन भी रिवील कर दी है। ये इलाके दरअसल ईरान में मौजूद सरावान और जलीक के इलाके हैं जहाँ पर पाक फिजाइया ने हमले किए हैं। सो थैंक यू इंडिया फॉर रिवीलिंग द लोकेशन। पाकिस्तान दफ्तर खारजा ने रिपोर्ट भी जारी कर दी है जिसमें उन्होंने इस ऑपरेशन को ऑपरेशन MBS यानी कि मर्ग बर शरमचार का नाम दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक पाक फिजाइया ने ईरान के सूबे सिस्तान में मौजूद बलोच अलीहदगी पसंद तहरीक जिसको ईरान हैंडल कर रहा था पाकिस्तान के अगेंस्ट, उनके हाइड आउट पर हमले किए हैं। दफ्तर खारजा का मजीद ये कहना था कि पाकिस्तान अभी भी ईरान की सोवरन टेरिटरी और उनकी खुद मुख्तारी की रिस्पेक्ट करता है। पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन और इंटरनेशनल लॉ की गाइडलाइन के अंदर रहते हुए अपनी सेल्फ डिफेंस में ये हमले किए हैं। दफ्तर खारजा का मजीद ये कहना था कि ईरान पाकिस्तान का ब्रदर ममालिक है और हम आज भी ईरान की रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन अगर ईरान पाकिस्तान के खिलाफ ऐसे उल्टे सीधे हथकंडे आजमाएगा तो पाकिस्तान भी जवाब देने पर मजबूर हो जाएगा। आप अपनी राय हमें कमेंट्स में दे सकते हैं।